महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा एक बहुत ही बड़ा फैसला लेने को लेकर अभी अभी एक बहुत ही हैरान कर देने वाली अपडेट आ रही है। बाय द वे, इस फैसले को लेकर जैसा कि अपडेट आ रही है उसके बाद शिवसेना के सांसद संजय राउत जो है इस पर पूरी तरह से भड़क चुके हैं। शिवसेना के सांसद संजय राउत आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जिसकी वजह से महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा बवाल भी मचता है, लेकिन अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसले लेने की बात की गई है उस पर जो है देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। 12 फरवरी को शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत ने रविवार को कहा कि सच्चाई की जीत होगी और उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की इस टिप्पणी पर आलोचना की है कि अयोग्यता याचिका के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय उनके पक्ष में फैसला सुनाएगा। एकनाथ शिंदे नेतृत्व वाले समूह के विधायकों के खिलाफ में शिवसेना उद्धव ठाकरे द्वारा जो याचिका दाखिल की गई है उस पर जो है कमेंट करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने ये स्टेटमेंट दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने सीधा सीधा बोला कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला सुनाया जाएगा वो जो है एकनाथ शिंदे के समर्थन में होगा और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ में होगा, जिसको लेकर यहाँ पर सीधे सीधे संजय राउत भड़क चुके हैं। और संजय राउत ने सीधे सीधे देवेंद्र फडणवीस के ऊपर निशाना साधते हुए बोला कि आने वाले टाइम पर सच्चाई की जीत होगी और सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा जो फैसला सुनाया जाएगा वो सच्चाई के साथ में सुनाया जाएगा। तो इस तरह की बातें बोलने से कोई मतलब नहीं निकलेगा और सुप्रीम कोर्ट पर हमें जो है भरोसा है और वो जिस हिसाब से दावा कर रहे हैं इससे क्या उनका कोई कनेक्शन है क्या, इसको लेकर भी सवाल जो है पूछे गए हैं, वो भी संजय राउत के द्वारा, वो भी देवेंद्र फडणवीस से। बाय द वे, आपको क्या लगता है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा जो फैसला आने वाला है जल्दी आएगा उसमें आपको क्या लगता है किसका पलटा ज़्यादा भारी है, यहाँ पर एकनाथ शिंदे का या महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे का? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।